नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो उसमें हमने इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहां पर मैंने आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बताए थे और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, राइट। अभी हम यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे सम सॉल्व करेंगे, देखो जो रैशनल फंक्शंस होंगे उनको। रैशनल फंक्शंस मतलब क्या, देखो जैसे यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, राइट। तो ऐसे फॉर्म में जो भी रहेंगे तो इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, रैशनल फंक्शन। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप इनका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ओके। तो यहाँ पर देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, आपको समझ आएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर मैं कुछ एडजस्टमेंट करूँगी, क्या करूँगी देखते जाइए। यहाँ पर x लिखा, अपॉन में x प्लस 1 लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो देखो प्लस 1 एंड माइनस 1 करूँगी, समझ में आ रहा है। इससे आपके क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस से आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या करूँगी, देखो x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में करके लिख लेती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस 1 अपॉन, देखो x प्लस 1 को यहाँ पर लिखूंगी, फिर इसके अपॉन में मैं x प्लस 1 को लिखूंगी, उसके बाद यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, उसके बाद 1 अपॉन x प्लस 1 लिखूंगी, फिर dx, ओके। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, तो दोनों हो गए कैंसल, राइट। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, मतलब बचा क्या है, वन बचा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, डी एक्स आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। समझ में आ रहा है आपको इतना, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन दोनों का किया, यहाँ का भी और यहाँ का भी, मतलब मैं इंटीग्रेशन को यहाँ पर भी लेकर के आई एंड यहाँ पर भी लेकर के आई। तो अब देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। देखो अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, तो वन का मतलब यहाँ पे अपॉन में वन हमको लिखना है। तो देखो नीचे अगर वन रहता है ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए अगर नीचे वन है तो आप उसको लिखो या फिर ना लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, ओके। तो ये है आपका आंसर, देख लो। अब नेक्स्ट हम देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन x माइनस वन डी एक्स, ठीक। अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर प्लस वन एंड माइनस वन किया था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि देखो इसके अपॉन में क्या था, एक्स प्लस वन था, तो हमने ऊपर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया कि हमको एक्स प्लस वन मिले। तो देखो मैंने यहाँ पर प्लस वन माइनस वन लिखा और फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया, इससे क्या हुआ, ये दोनों हो गए कैंसल, राइट। यहाँ पर भी हमको ऐसा ही कुछ एडजस्टमेंट करना है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन आएगा कैसे, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन x माइनस वन। अब सोचिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इस वन को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस वन प्लस टू, इससे क्या होगा, तो देखिए माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, मतलब मैंने वन के प्लेस पर क्या लिखा, माइनस वन प्लस टू, समझ में आ रहा है आपको। अब ये दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया, अब दोनों को अलग अलग कर देती हूँ, तो इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन फिर
प्लस टू अपॉन, इसके अपॉन में यही आएगा एक्स माइनस वन। डी एक्स, अब देखिएगा एक्स माइनस वन दोनों हो गए कैंसल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस टू क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये आ गया बाहर, उसके बाद इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रेशन x आएगा प्लस इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन का लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। ओके तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 dx। ओके अब यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा राइट। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आपका अपॉन में क्या है 2x माइनस 1 है, तो ऊपर 2x माइनस 1 आ सकता है क्या, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2x, 3 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ माइनस वन प्लस फोर, है ना, क्योंकि माइनस वन प्लस फोर इज इक्वल टू क्या होगा थ्री होगा, मतलब वापस से आपका क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। तो थ्री के प्लेस पर मैंने क्या लिखा माइनस वन प्लस फोर एंड यहाँ पर टू एक्स माइनस वन डी एक्स, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया। अब देखो टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस है तो प्लस अपॉन टू एक्स माइनस वन डी एक्स। अब क्या होगा तो देखो 2x माइनस वन यहाँ पे भी तो दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस फोर क्या है कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस वन डी एक्स। अब देखिएगा I इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको x मिलेगा प्लस यहाँ पे 4 है तो 4, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x माइनस वन अपॉन अपॉन में क्या आएगा x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 आ गया और यहाँ पर प्लस सी। ठीक है इतना आपको समझ में आया। अब देखो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिला x प्लस 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x माइनस वन प्लस सी। ओके तो ये है आपका आंसर। अब यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन देखना यहाँ पर क्या दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 डी एक्स। तो बताइए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सोचिए जरा। तो देखो यहाँ पर क्या है x माइनस 3 है तो कैसे आएगा यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 2x मैंने लिखा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि मुझे माइनस 3 मिले। तो देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, समझो मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया और यहाँ पे प्लस 6 राइट, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस 6 नहीं माइनस 6, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 6 एंड यहाँ पे 11, देखो यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ यहाँ पर माइनस, क्योंकि मुझे ना प्लस में 5 चाहिए ना माइनस में नहीं चाहिए, अगर माइनस में चाहिए होता तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाती, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा माइनस 6 प्लस 11, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा वापस से हमारा प्लस 5 आ जाएगा, उसके बाद x माइनस 3। ठीक है हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट हम इसको सॉल्व कैसे करें, है ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ 2 को कॉमन ले लेती हूँ ब्रैकेट में, x माइनस 2 थ्री ज़ा 6 प्लस 11 अपॉन x माइनस 3 डी एक्स। फिर यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 फिर प्लस है तो प्लस लिखा 11 अपॉन x माइनस 3, मैंने अलग अलग करके लिख दिया दोनों को, समझ में आया आपको डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को दोनों के पास लेकर के जाते हैं, तो देखो 2 क्या है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा बस डी एक्स प्लस 11 क्या है कांस्टेंट तो बाहर आ गया 1 अपॉन x माइनस 3 यहाँ पर बचा डी एक्स।
ओके इतना आपको क्लियर है। आप देखो 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस 11, यहाँ पर क्या आएगा log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस c, तो यही है आपका फाइनल आंसर। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना आपको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी डिनोमिनेटर में रह रहा है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है वही हम न्यूमरेटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लो, फिर हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, तो क्या दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे प्लस वन है तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखूँ, हाँ प्लस वन माइनस टू, इससे क्या होगा, देखो वन माइनस टू करेंगे तो माइनस वन, मतलब मैंने माइनस वन के प्लेस पर क्या लिखा, वन माइनस टू लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पर डी एक्स। अब तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस है तो माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया ओनली डी एक्स, माइनस टू क्या है कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस, और यहाँ पर टू है तो टू लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान देना क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अभी तक मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया है, मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में वही बताने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ रहेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं, तो क्या है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सोचिए यहाँ पर कुछ हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं लिखूँगी लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखो i इज इक्वल टू एक्स प्लस वन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मुझे प्लस वन चाहिए ना, तो माइनस वन प्लस टू, समझ में आया, देखो माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस वन, फिर यहाँ पर है एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर डी एक्स। अब अलग अलग करके लिखती हूँ दोनों को, देखो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया मैंने, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखो, एक्स माइनस वन यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन है राइट। तो एक्स माइनस वन से एक एक्स माइनस वन कट जाएगा, मतलब यहाँ पर अभी क्या बचा है एक्स माइनस वन बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन, समझ में आ गया आपको, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस टू क्या है कॉन्स्टेंट तो बाहर लिखा, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था यहाँ पर इसका पावर नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसका कोई पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पावर है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो मैं इस x माइनस वन द होल स्क्वायर को ऊपर ले लूँगी, तो क्या हो जाएगा x माइनस वन रेज टू माइनस टू डी एक्स। अब यहाँ पे मैं x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, तो देखो क्या हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ x माइनस वन प्लस टू, यहाँ पर क्या होगा तो देखते जाइएगा x माइनस वन रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ x माइनस वन प्लस टू, यहाँ पर x माइनस वन देखो माइनस टू प्लस वन
माइनस वन, समझ में आ रहा है? इसका पावर क्या आ गया, माइनस वन, यहाँ पर भी माइनस वन, प्लस सी। अब क्या होगा, तो देखो मैं एक काम करती हूँ, इस एक्स माइनस वन रेस टू माइनस वन को नीचे ले लेती हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन, ये नीचे जाएगा तो एक्स माइनस वन, और इसका पावर क्या होगा, वन, और वन को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर प्लस सी, और यहाँ पर देखिएगा क्या था, माइनस वन था, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, समझ में आ रहा है? तो ये है आपका आंसर। अब यहाँ पे अगला सम देखना क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगी 2x क्यूब इसके अपॉन में रूट एक्स को लिख दूंगी, प्लस 5x स्क्वायर इसके अपॉन में रूट एक्स को लिख दूंगी, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 2x क्यूब अपॉन, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x का पावर 1 बाई टू, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x रेस टू 1 बाई टू, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, इसको x का पावर 1 बाई टू नहीं लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो देखो 2x रेस टू 3 इंटू, इसको आप ऊपर ले लो तो x का पावर माइनस 1 बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर ले लो तो x का पावर माइनस 1 बाई टू हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब उसके बाद यहाँ पर देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स क्यूब इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाई टू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो 3 में से आप क्या करो, माइनस 1 बाई टू, समझना, 3 माइनस 1 बाई टू करिए तो क्या आएगा, 5 बाई टू। ओके, क्या आएगा, 5 बाई टू, आप माइनस करके देख लेना, तो ये हमको मिला, फिर प्लस यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 बाई टू, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स का पावर क्या आएगा, तो 3 बाई टू आएगा। ओके, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन हर एक टर्म के पास जाएगा, तो 2 क्या है, कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया, एक्स रेज टू 5 बाई टू डी एक्स, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 3 बाई टू डी एक्स, प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x रेस टू n वाला, तो क्या हो जाएगा, देखो i इज इक्वल टू 2 इंटू, ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ पर है x रेस टू 5 बाई टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, x रेस टू 5 बाई टू प्लस 1, 5 बाई टू प्लस 1। ओके, अपॉन में भी क्या आएगा इसके, 5 बाई टू प्लस 1, प्लस यहाँ पर 5 है और x रेज टू 3 बाई टू, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स रेज टू 3 बाई टू प्लस 1 अपॉन 3 बाई टू प्लस 1, एंड उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 4, यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 रूट एक्स प्लस सी। अब उसके बाद 2 और यहाँ पर x रेस टू क्या आएगा, 7 बाई टू, यहाँ पर अपॉन में भी 7 बाई टू, प्लस 5 और यहाँ पर क्या आएगा, देखो x का पावर 2 वन ज़ा 2 5 बाई टू, यहाँ पर भी 5 बाई टू, प्लस 4 टू ज़ा 8 रूट एक्स प्लस सी। इतना आपको क्लियर है? अब ध्यान से समझना, देखो ये 7 बाई टू, देखो ये 7 बाई टू किस में है, डिवाइड में है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी, तो क्या हो जाएगा, 2 लिखा मैंने, फिर x रेस टू 7 बाई टू भी लिखा, इन टू, 2 ऊपर 7 नीचे, समझ में आ रहा है, 2 ऊपर 7 नीचे हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तब। उसके बाद 5 लिखा, x रेस टू 5 बाई टू लिखा, इन टू, 2 ऊपर 5 नीचे, प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी। अब क्या होगा, तो देखो 2 टू ज़ा 4 एक्स रेज टू 7 बाई टू अपॉन 7, प्लस यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल,
क्या आया, 2x raised to 5/2 प्लस 8√x + c। अब क्या हम इसको आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने आपको टोटल 7 sums कराए हैं, ओके? तो आप इन 7 sums की क्या करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आपको कुछ भी नहीं आने वाला। और ये जो 7 sums मैंने कराए हैं ना, ये बहुत ही इजी है। सारे सम्स एक ही टाइप के थे, बस लास्ट वाला थोड़ा अलग था, लेकिन जितने पिछले जो 6 sum मैंने कराए वो सभी एक जैसे ही थे, ओके? तो अगर आप एक बार उनकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूले बताऊंगी, ओके? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।